इस तरीके का ढाबा स्टाइल चिकन आप भी घर पे बना सकते हैं। ये खाने में बहुत अच्छी लगती है और ढाबा जाने की भी आप लोग की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप घर ढाबा जैसे चिकन जो होते हैं वो आप घर पे बनाएं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं कैसे बनेगी। तो ढाबा स्टाइल चिकन बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 kg चिकन लिया है। आप देख सकते हैं इस जो पीस है, ये जो पीस है इसको मैंने गर्म पानी में खोलते हुए पानी में 10 मिनट छोड़ के उसके बाद इसको मैंने पील कर लिया है। तो इस तरीके से आप इसको तैयार कर लें। यहाँ मैंने 3 हरी मिर्च ली है, देखिए यहाँ मैंने 6 छोटे छोटे मीडियम और छोटे स्मॉल साइज़ के। यहाँ मैंने प्याज लिया है, मसाले मैंने लिए हैं, तो मसाले मैंने 1 चम्मच जीरा, 1.5 चम्मच जीरा लिया है, 4 हरी लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च है, 2 कली लहसुन की मैंने छील ली है, 1 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, थोड़ी सी मैंने सिनेमन लिया है, 2 छोटी छोटी मैंने काली इलायची लिए हैं और 10 से 20 दाने मैंने काली मिर्च के लिए हैं। तो इसको मैं एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। हरी मिर्ची को मैं ही काट लूँगी और साथ में प्याज को भी काट लूँगी। देखिए यहाँ मेरे मसाले तैयार हैं, साथ ही मैंने प्याज को भी काट लिया है और हरी मिर्च भी मेरा यहाँ तैयार। अब आते हैं कढ़ाई की तरफ। देखिए मेरे कढ़ाई में तेल डाल दिया है, इसमें मैं फ़ौरन डाल रही हूँ। फ़ौरन में मैं यहाँ जीरा और तेज़पत्ते मैंने डाले हैं। आप चाहे तो यहाँ पे हरी लाल मिर्च और ऐड कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते। तो मैंने यहाँ हरी मिर्च डाली है फ़ौरन में, तो इसे देखिए पक गया है। यहाँ पे मैं प्याज ऐड कर रही हूँ, प्याज को भी मैं ऐड करके इसको मैं धीरे धीरे मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी। हमेशा याद रखें फ्रेंड्स, प्याज कभी भी हाई फ्लेम पे नहीं पकाते हैं, उससे स्वाद ख़राब हो जाता है और वो जल जाता है, जलने की संभावना ज़्यादा रहती है। हमारे तरफ बिहार में फ्रेंड्स हमेशा मतलब कि अधिकतर क्या होता है कि लोग चिकन में लहसुन ऐसे खड़ा लहसुन खोजते हैं, तो हमारे तरफ ऐसे डलता है। अगर आपको पसंद है तो आप डालें, नहीं पसंद है तो स्किप कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स यहाँ मैं भून रही हूँ इसको, मीडियम टू हाई फ्लेम पे भून रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ मेरा प्याज तैयार हो गया है। इसी तरीके से आप भी गोल्डन ब्राउन होने तक यहाँ पे प्याज भून ले। इस स्टेज पे मैं यहाँ चिकन ऐड करूँगी फ्रेंड्स, तो जो चिकन अच्छे से धो ले उसे। तो धोने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने चिकन इसमें ऐड किया है। अब इस स्टेज पर आप यहाँ पर सॉल्ट अच्छे से ऐड कर लें। तो देखिए यहाँ मैंने थोड़ी सी सॉल्ट ऐड की है, थोड़ी सी और ऐड करूँगी। देखिए तो स्वाद अनुसार आप यहाँ नमक ऐड कर सकते हैं। तो नमक यहाँ डालने के बाद इसको अच्छे से चला दें और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको भूने फ्रेंड्स। तो इसको हाँ चलाते हुए बीच बीच में इसको ढक के भूने। ये चिकन पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मगर उसको ध्यान से पकाना पड़ता है और ध्यान देना पड़ता ताकि वो जले नहीं। तो इसको बार बार चला चला के थोड़े थोड़े देर में ढक के इसको भूनते रहें। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ मेरा चिकन इतना भून चुका है, यहाँ पानी छोड़ चुका है। इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से तेल ना आ जाए। तो अभी स्टेज पे देखिए तेल नहीं आया, अभी भी इसमें पानी है। तो इसे हम पूरा सुखा देंगे पानी, तो इसे हम और भूनेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही भूनेंगे। लगातार इसे चलाते रहेंगे बीच बीच में, हर 1-2 मिनट पे इसे चला के हम चेक करते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ मेरा चिकन अच्छी तरीके से भून चुका है, तो इसे हम थोड़ा सा और भूनेंगे हल्का सा, ताकि इस पर लाल परत आ जाए हल्की सी, तो वो खाने में बहुत अच्छी लगती है, उससे चिकन पक भी जाता अंदर से। देखिए यहाँ मेरा चिकन पक चुका है, देखिए तेल निकल चुका है, तेल बाहर आ चुका है। तो इससे समझ में आ जाता है कि चिकन, देखिए लाल परत भी मेरा चिकन पे आ चुका है। इसी तरीके से आप भी भुने, चिकन भुनने से बहुत अच्छा लगता है, कच्चा ना रहे, क्योंकि इसे पेट तो ख़राब होगा ही, ऊपर से खाने में बहुत ख़राब लगता है, बेकार स्वाद हो जाती है। तो इसी तरीके से आप भी लाल परत आने तक भुंजे। यहाँ मैंने मसाला ऐड कर दिया, मसाले को भी अच्छे से मिक्स करके आप इसको भुने। मसाले भुनने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि अगर चिकन तेल छोड़ देता है तो तेल में तुरंत भुन जाता है मसाला, ज़्यादा नहीं 2 से 3 मिनट हम लगता है मसाले भुनने में। तो देखिए यहाँ मैं मसाले भून रही हूँ, देखिए मसाले भी तुरंत तेल छोड़ देता है, क्योंकि अच्छे से भुन चुका है चिकन, तो मसाले भुनने में टाइम नहीं लगता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मसाला मेरा ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है, देखिए मसाले में से भी तेल बाहर आ चुका है। तो इसको अच्छे से चलाते हुए नीचे से इसको हम फ्राई करते रहेंगे। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे अगर हल्का सा हम गर्म पानी, चाहे तो आप ठंडा पानी भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे मैं हल्का सा गर्म पानी मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। यहाँ 1 ग्लास के करीब मैंने यहाँ पे गर्म पानी ऐड करा है।
अगर आपके ठंडा पानी यहाँ पे आप डालें अगर ना हो तो यहाँ पे देखिए मैंने डाल दिए है। और अगर आपको नमक कम या ज़्यादा लग रहा हो तो आप यहाँ और सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। तो मेरा इस तरीके से अब इसको ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा और ढक के हम इसे 4 से 5 मिनट इसे पका लेंगे। तो इसको हाई फ्लेम पे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं इसको ढक के इसको अच्छे से और मैं पका लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरा चिकन पक रहा है और ये अंदर तक से पूरा पक चुका है, क्योंकि हमने लाल पकाया था, लाल चिट्टी उस पर परत आ चुकी थी, तो उससे पता चल जाता है कि चिकन अंदर तक से पक चुका है। तो देखिए यहाँ पे मेरा चिकन जो है ऑलमोस्ट पक के तैयार है। तो यहाँ मैं धनिया पत्ता से हल्का सा इसे गार्निश कर दूँगी, तो आपके पास है तो आप ज़रूर गार्निश करें। मैं चिकन में टमाटर नहीं डालती हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको टमाटर पसंद है तो मसाला भूनने वक्त आप उसमें टमाटर भी एक कट करके डाल सकते हैं, बेसिकली मैं नहीं डालती हूँ। तो आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, वो भी अच्छी लगती है खाने में। देखिए फ्रेंड्स, मेरा चिकन तैयार है, अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। तो सर्व करने के बाद देखिए फ्रेंड्स कितना देखने में टेस्टी लग रहा है, ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल बना है। तो आप भी इसी तरीके से बनाएं, घर पे एंजॉय करिए, देखने में भी कितनी खूबसूरत लग रही है। तो आप इसी तरीके से बनाएं और खाएं। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, और मेरे कमेंट्स ज़रूर करें कि आपने अगर इसे ट्राई करा तो बनाने के बाद ये आपके घर में कैसा बना, सबको कैसा लगा तो ज़रूर बताएं। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।